इस बाबा के ऊपर बहुत नाजायज़ काम सरकार कर रही है, तो जो इधर के रजिस्ट्रार हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनके ऊपर केस बहुत गंभीर फौजदारी के बने हुए हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं सरकार कर रही? ये बीजेपी आरएसएस तो जातिवाद पार्टी है। ये देखो, जो ये नए धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म, उसके बीच मनुस्मृति भी शामिल है, तो ये कैसे सबका धर्म कैसे हो सकता है? बीबी माओ मित्रा के खिलाफ निष्कांत दुबे ने लेटर लिखा है। हाँ, ये पंडित जी हैं, और पंडित जी की बात स्पीकर लोकसभा ने भी मान के उनकी शिकायत प्रिविलेज कमेटी में भेज दी है बीबी माओ मित्रा के खिलाफ बगैर किसी इंक्वायरी के। तो जो स्पीकर साहब हैं वो भी गलत काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन निष्पक्ष ना ओम बिरला साहब, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब तो निष्पक्ष हैं, किसी पक्ष का पक्ष नहीं लेते हुए। नहीं, वो पक्षपाती हैं, सिर्फ जो सरकार की तरफ ऐसे देखते हैं, सरकार उनके दाहिने हाथ बैठी होती है तो उधर उनका चेहरा देखिए, ऐसा सूरज के जैसे चमकता है। जब विरोधी धिर बाएं हाथ बैठी है, उनको क्रोध आ जाता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे। इस बाबा के ऊपर बहुत नाजायज़ काम सरकार कर रही है, तो जो इधर के रजिस्ट्रार हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनके ऊपर केस बहुत गंभीर फौजदारी के बने हुए हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं सरकार कर रही? हम ये पूछना चाहते हैं कि एक बीबी रीतू के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसकी चिट्ठी नकली बना के पुलिस ने कहा है कि ये इसकी लिखाई नहीं है, और फिर प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार के ऊपर केस बने हुए हैं, और वो ऐसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? बीबी बानो जो मुसलमान थी, उसको 2002 में मोदी साहब की गुजरात सरकार ने उनके लोगों के रेप कर दिया था, बलात्कार कर दिए थे, और उनके रिश्तेदार मार दिए थे। शर्म की बात है, 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाता है, और 15 अगस्त को वो हथियारों को जिन्होंने बलात्कार किया बीबी बानो का, 15 अगस्त को पिछले साल छोड़ दिया गया था। बिल्कुल, तो छोड़ दिया गया, उनको माला पहनाया गया। लेकिन सवाल सर ये है कि डॉक्टर रितु सड़कों पर है, आंदोलन कर रही हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सदन में जाते हैं, क्या वहाँ पर आवाज़ बुलंद करेंगे, सरकार कानों तक आवाज़ जाए? क्योंकि ऐसा लगता है सरकार तो सुन करके भी अनसुनी कर रही है। एक जर्नैल ने सिपाही को पूछा कि सिपाही आप लड़ोगे, तो सिपाही ने सलूट मारा, कहता जर्नैल साहब और मेरा काम क्या है, अगर हमको एमपी बनाया है और मेरा काम क्या है, बता दीजिए आप, यही बात करेंगे और क्या करेंगे? इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि डॉक्टर रितु से जब मेरी बातचीत होती है, कहती है संरक्षण मिल रहा तमाम लोगों का, इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो होगा, अब मेरा मतलब अब शुरू है, सब लोग इधर, माओ मित्रा साहब भी आएंगे, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब स्टेलिन भी आएंगे, और मायावती जी भी आएंगे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है, सब लोग इधर आके हाजिरी डालेंगे। बहन जी हाँ आएंगी? मान साहब ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया। हाँ, मैंने उनको किया है, जरूर आएंगे। तमिलनाडु के सीएम और यूपी की पूर्व सीएम ममता मायावती जी, माओ मित्रा एमपी बंगाल की, हाँ सब आएंगे। तो अगर आपने, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकारी कानों तक आवाज जा रही है, क्या ये सिर्फ जातियों का खेल है या कोई और खेल चल रहा है बड़ा इसके पीछे? ये बीजेपी आरएसएस तो जातिवाद पार्टी है। ये देखो, जो ये नए धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म, उसके बीच मनुस्मृति भी शामिल है, तो ये कैसे सबका धर्म कैसे हो सकता है? जिस धर्म में
मनुस्मृति को माना जाए, जिस धर्म में मनुस्मृति एक ग्रंथ बना के पूजा की जाए, वो धर्म कैसे हो सकता है? लगातार हम लोग देखते हैं कि आप टीवी पर आते हैं, टीवी डिबेट में शामिल होते हैं। एक एंकर को आपने पानी तक पिला दिया था, लताड़ लगाई थी लाइव डिबेट में, लेकिन उसी टीवी चैनल ने, उसी मीडिया ने बहिष्कार कर दिया इस आंदोलन का। तो ये हिंदुत्व के जातिवाद लोग हैं और प्रेस भी जातिवाद हो गई है हिंदुत्व की, तो अब हमको इंसाफ नहीं प्रेस दे रही, ये ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने नेट के ऊपर विश्वास करो, जो सोशल मीडिया है, जो बीबी रितु और आप लोग चलाते हैं, ये सही मीडिया है। टीवी मीडिया सही काम नहीं कर रही है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर रही, ये तो खरीदे गए हैं, सब खरीदे गए हैं। ये बिकाऊ मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, क्योंकि लोग कहते हैं कांग्रेस के पास भी पैसा है, तमाम पार्टियों के पास पैसा है, अगर ये बिकाऊ मीडिया होती सब लोग खरीद लेते इसको। तो खरीदा तो हुआ है और क्या? नहीं, मेरा सवाल है कि जातिवादी मीडिया है या बिकाऊ मीडिया है? ये दोनों है, जातिवाद भी है और बिकाऊ भी है, दोनों चीज़ें हैं। नहीं तो इनके ऊपर विश्वास हमारे लोगों का क्यों टूट गया? तभी टूटा है क्यों करके दोनों चीज़ें हैं, बिकाऊ भी है और जातिवाद भी है। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, और तमाम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इसराइल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ सियासी माइलेज लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप फिलिस्तीन और इसराइल की पूरे युद्ध को लेकर के? देखिए, जो यहूदी लोग हैं, जर्मन में 60 लाख इनको जलाया गया था, जब का इनका देश बना है, इनको में दया आनी चाहिए। जो इनके साथ हुआ है, इनको अरब और मुसलमानों के खिलाफ नहीं करना चाहिए। तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप पीछे हटिए और ये गरीब आदमियों को बसने दें और आप भी चैन से बसें। हमारी पूरी इमदाद करते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसराइल कह देता है कि गाजा में जितने भी लोग हैं फिलिस्तीन के, सब लोग खाली करके चले जाएं वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, उनको पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, उनका मेडिकल सर्विसेज बंद कर दिए हैं, वो तो भूखे मरने लग पड़े हैं। तो सब देशों को, इंडिया को भी, मोदी जी को भी इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, पर मोदी साहब तो इसराइल की बात करते हैं। सर, अभी आप स्पीच दे रहे थे, मैं आपको सुन रहा था, तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं जातिवादी हैं, जातिवाद करते हैं, जातिवाद बढ़ावा देते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर, और नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ना, गरीबों के लिए तो कर रहे हैं, पर फिर कम गिनती और दलित लोगों के खिलाफ उनको ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, मणिपुर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, सिखों के खिलाफ हो रहा है, दलित लोगों के खिलाफ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो दलित की आस इस संविधान में बनी हुई है, उसको लागू क्यों नहीं करते? अब मोदी साहब ने नहीं हमको मेंबर पार्लियामेंट को किताब दी है संविधान की, जिसमें शब्द सेक्युलर और सोशलिज्म अड़ा दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो लफ्ज ख़त्म कर दिए गए। तो बगैर पार्लियामेंट से, बगैर सूबों से पूछ के ये संविधान को तब्दील किया जाता है, बगैर पार्लियामेंट में जाना और बगैर सूबों की राय लेना। उन्होंने तो संविधान ही तब्दील कर दी है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, कोई ये लफ्ज है ही नहीं संविधान में। देश को संविधान से नहीं चलाया जा रहा, आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं। हाँ, तो और क्या फिर? सर, हमने देखा कि जो व्यक्ति बोल रहा है, सरकार के खिलाफ बोलता, आवाज़ उठाता है, पहले उसे लोकसभा राज्यसभा से हटाया जाता है, निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, और सड़क पर बोलता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूँ।
किसकी बात कर रहे हैं? संजय सिंह को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? अब बीबी मौमित्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे ने लेटर लिखा है। हाँ, ये पंडित जी हैं और पंडित जी की बात स्पीकर लोकसभा ने भी मान के उनकी शिकायत प्रिविलेज कमेटी में भेज दी है बीबी मौमित्रा के खिलाफ बगैर किसी इंक्वायरी के। तो जो स्पीकर साहब हैं वो भी गलत काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन निष्पक्ष ना ओम बिरला साहब, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब तो निष्पक्ष हैं, किसी पक्ष का पक्ष नहीं लेते हुए। नहीं, वो पक्षपाती हैं, सिर्फ जो सरकार की तरफ ऐसे देखते हैं, सरकार उनके दाहिने हाथ बैठी होती है तो उधर उनका चेहरा देखिए ऐसा सूरज के जैसे चमकता है। जब विरोधी धिर बाएं हाथ बैठी है उनको क्रोध आ जाता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे। तो निरपक्षता कहाँ है स्पीकर साहब में? आप आईपीएस ऑफिसर हैं, अब राजनीति में हैं, सांसद हैं, 2024 लोग क्या कहेंगे? इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, इंडिया वाले अलग दम भर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अलग दम भर रहे हैं, मोदी के पास ज़्यादा पार्टियों का जो है पूरा संगठन है, ज़्यादा पार्टियाँ एनडीए में शामिल हैं। तो ये तो देखने वाली चीज़ है ना कि गरीब आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए और जो माइनॉरिटी कम लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जितना चेर गरीब और माइनॉरिटी को इंसाफ नहीं मिलेगा उतना चेर एकता नहीं रह सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर कहते हैं कि अगली बार मैं आऊँगा, तिरंगा फहराऊँगा, झंडा फहराऊँगा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे? अगर वो अपनी पॉलिसी ठीक कर लें, बाकी खुदा जानता है। नरेंद्र मोदी दम भर रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार लगातार, वो तो खुदा जानता है, हम क्या बोलेंगे। चलिए, खुदा जानता है कि 24 में क्या होगा और जनता ही तय करेगी 2024 में क्या होगा, जनता ही सरकार चुनेगी, जनता ही सरकार को बदल सकती है। आपको क्या लगता है पूरी बातचीत पर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, डीयू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।